सत श्री अकाल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एक होर वधिया जिहा व्लॉग साडा अपना चैनल मिस्टर एंड मिसेज रिहल। उत्थे भी मैं पंजाब वाले किचन च शुरुआत कर रही हूँ, इत्थे मैं दिल्ली वाले किचन च शुरुआत कर रही हूँ। तो एक्चुअली मम्मी उठ गए हुए आ, मैं चाह बना रही हूँ, तो जीत भी उठ गए हुए उंज लेटे हुए, हरजी और पापा सो रहे, आवाज भी अंदर रूम च सो रही है। तो इतने जी चाह बन रही है, इतने मैं कड़छी नाल गुजारा कर रहा, क्योंकि इतने वो चाह पाने वाला नहीं ना है, पंजाब च तो है। इतने मैं जीत लिए दुध गर्म कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि वो चाह नहीं पीते। तो रात मतलब थकावट उतर गई सारी, इन्नी वजह गाई कितने सुते थे, कोई होश नहीं थी। तो खान का समान है, कल आप आते ही चाह के नाल मतलब है जाके रस वगैरह, रस हो गए। साड़ी इतने फेवरेट बेकरी आ, बहुत पुरानी सुपर बेकरी, उत्तों हरजी है मैंगो वाले बिस्किट लैके आया, उसके बाद एक पिस्ते वाले आ शायद है ना, वो सब लैके आया, उन्हें मैं प्लेट पाऊँगी फिर दिखाऊँगी। सो बस मम्मी कहती फटाफट चाह बनाओ, मैंगो वाले बिस्किट खाना, मैं चलो ठीक है फिर फटाफट चाह बना लेंगे। तो सारे चैनल में सबसक्राइब कर दो। तो कई लोग मना रहे रखड़ी 3 कई मना रहे 31, अज 30 हैगी, असं अज नहीं सैलीब्रेट करनी, कल करनी, क्योंकि अब मेरे ब्रदर भी बहुत ज़्यादा बिजी आ, घर भी है, उन्हें छुट्टी नहीं हैगी, कल उन्हें छुट्टी आ। हाँ जी दोस्तों, तो तुहानू पता मैं बहुत टाइम तो क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हाँ, तो तुहानू मैं पिछले ब्लॉग्स भी दस्या होएगा, सो तुसी देखा होएगा, जिहड़े नवे जुड़े आ मैं उन्होंने भी दसदा कि मैं बहुत टाइम तो अराउंड 1.5-2 महीने तो क्योर स्किन ऐप के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हाँ। तो यह असर तुम मेरे फेस से देख सकते हो, मेरे मेरी स्किन जो है कि इंप्रूव हुई है, जिहड़े स्पॉट सीगे फेस से वो सारे दूर हो गए। सो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हैल्दी भी हो गई है, जिदी खुशी मैनू बहुत ज़्यादा, मैनू ज़्यादा मेकअप की भी लोड़ नहीं पैंदी, मेरी स्किन नैचुरली ग्लो करती है, नैचुरली बहुत वधिया लगती है, और ऐसा पॉसिबल हो पाया क्योर स्किन दे प्रोडक्ट की वजह नाल। हुण क्योर स्किन दे प्रोडक्ट इन्ने किवें वर्क करते हैं, जो तुसी ऐप डाउनलोड करोगे तो तुहानू उत्थे एक डॉक्टर या एक डर्मेटोलॉजिस्ट एक्सपर्ट, स्किन एक्सपर्ट असाइन कर दिते जाणगे, जिन्हां नू तुसी अपनी फेस की प्रॉब्लम दस सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फेस प्रॉब्लम और स्किन टाइप, वो तुहानू किट कस्टमाइज करके देंगे, ठीक है, जो तुहाडी स्किन नू जो है इंप्रूव करन च हैल्प करूगी। तो एवरी मंथ डर्मेटोलॉजिस्ट दे नाल, स्किन एक्सपर्ट दे नाल तुहाडी कंसल्टेशन ऑटोमैटिकली बुक हो जाएगी, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। मतलब एवरी मंथ तुसी अपने स्किन एक्सपर्ट जो तुहानू डॉक्टर दिते जाणगे परसनल, उन्हां नाल चैट कर सकते हो, वो एवरी मंथ तुहाडे स्किन दा टेस्ट करनगे, स्किन नू एनालाइज करनगे कि इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी करके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे ने, क्योंकि तुहानू स्किन टाइप नू ताड़ी स्किन प्रॉब्लम नू देख के तुहानू कस्टमाइज करके दिते जांदे ने। सो तुसी अगर कंसल्टेशन लई किते बाहर भी जाओगे तो 500-600-800 हज़ार रुपया खर्च के आओगे, लेकिन इत्थे घर बैठे तुहानू फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली क्योर स्किन ऐप ते ए जो है सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, किसी होर ऐप ते अवेलेबल नहीं हुंदी है, और यह ऑफर भी कोई होर ऐप प्रोवाइड नहीं करांदा, कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं करांदा, सिर्फ क्योर स्किन प्रोवाइड करांदी। अगर तुसी किसी होर भी ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो कोई भी ब्रांड प्रोडक्ट बेचने तो बाद नहीं पूछता है कि इफेक्टिव है तुहाडे स्किन ते, या जिस भी चीज़ लई तुसी वो प्रोडक्ट लै रहे हो यूज़ होया इंप्रूवमेंट आई या ना आई, नहीं आई, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्योर स्किन ऐप है, जिहड़ा प्रोडक्ट देन तो बाद भी तुहाडा उसी तरीके नाल तुहाडे स्किन दा उसी तरीके नाल प्रोपर ख्याल रखता है, प्रोपर मंथली बेसिस ते चैकअप हुंदा है, प्रोपर मंथली बेसिस ते तुहानू टाइम टू टाइम जो है सारी टिप्स दित्तियां जांदियां। सो इह कोई होर ब्रांड नहीं करता, सिर्फ प्रोडक्ट वेच के चले जाता है, लेकिन एक क्योर स्किन ऐप है जो प्रोडक्ट वेचन तो बाद भी तुहाडी स्किन दा तुहाडा ख्याल रखता है। 2-3 दिन पहले भी मेरे स्किन का एनालाइसिस होया मेरे डॉक्टर के थ्रू, जिहड़े मेरे डॉक्टर असाइन किए गए हैं क्योर स्किन ऐप दे विच, ते तुसी देख सकते हो प्रोडक्ट खरीदन तो पहले मैं इत्थे अटैच करूंगी, तुसी चैक करो मेरे स्किन च की डिटेक्ट होया सीगा, रेड सर्कल च जिहड़े प्रॉब्लम्स है ना तुहाडियां सारियां डिटेक्ट होणगियां फेस दियां। सो यह मेरी प्रोडक्ट परचेज करन तो पहले दा आ, ते उस तो बाद हुण यह तुसी चैक करो, यह मेरा प्रोडक्ट यूज करन तो बाद दा स्किन एनालाइसिस है जो मैं हुणे 2-3 दिन पहले किया है। तो क्योर स्किन ऐप की होंगे ना, जिदा मैं तुम्हें दसिया कि मंथली बेसिस से तुहाडी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी चैकअप लई, सो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग तुहाडा चैकअप करेंगे, चैक करेंगे कि जो प्रोडक्ट उन्होंने तुहाडे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग तुहाडे स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग तुहानू कस्टमाइज करके दिते ने, तुहाडे स्किन ते वर्क कर रहे ने या नहीं कर रहे, और यह सर्विस ओनली क्योर स्किन ऐप ते ही अवेलेबल होंगी है, कोई और ब्रांड नहीं देंदा, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। सो तुसी इंप्रूवमेंट अपनी अखां नाल चैक कर सकते हो, ते नाल ही नाल तुहानू
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਕਿਓਰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਸ ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਓਰ ਸਕਿਨ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਿੱਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ 1499, ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਯੂਜ ਕਰਿਓ ਰੀਹਲ RHAL200 ਰੀਹਲ 200 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ 200 ਰੁਪੀਸ ਕਿੱਟ ਤੇ ਆਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਓ। ਦੀਦੀ ਵੀ, ਟਿੰਕੂ ਦੀਦੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਏ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ, ਪਰ ਰੱਖੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ 3 ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੂੰਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਵਲੋਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰੂੰਗੇ 31 ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 31 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ ਲਈ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮੇਡ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਜਾਣ, ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਣ, ਸੋ ਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਈ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਦੀਦੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਚਨ ਦਾ ਖਲਾਰਾ, ਐਵੇਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤਿਲਕ ਨਗਰ, ਹੈ ਨਾ, ਮੰਮੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੋਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੀ, ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਛੱਪ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਧਰ ਆਓ ਜਲਦੀ ਆਓ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤੀ ਕੇ ਸੇ ਟਿੰਕ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਸ਼ਿੰਚਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਹਾਂ ਭਜਾਈ ਸੇ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਉਨਕੋ ਵੀ ਆਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਉਨਕੋ ਵੀ ਆਤੀ ਹੈ ਔਰ ਟਿੰਕੋ ਦੀਦੀ ਕੋ ਵੀ ਆਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਸੇ ਜਿੰਸ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ, ਭਜਾਈ ਭੇਜ ਦੀ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਭਜਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੀ ਲਗਾਉ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਛ ਗਿਆ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਖਾਧਿਆ, ਰਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਜੇ, ਦੋ ਰਸ ਖਾਏ, ਦੋ ਪਿਸਤਾ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾਏ, ਦੋ ਮੈਂਗੋ ਬਿਸਕਿਟ, ਮੈਨੇ ਦੋ ਰਸ ਇੱਕ ਪਿਸਤਾ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾਇਆ, ਮੈਂਗੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਿਸਕਿਟ ਬਿਸਕਿਟ ਨਾ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਰੂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਿਖਾਓ, ਅਰੂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਹ ਅਰੂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਜ ਗਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਖਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਵਾਹ ਅਰੂ ਨੇ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਬਈ ਮਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗਲਾ ਮਲਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤੀ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਮਲ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੂਆ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ,
ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਰੋ ਰਿਹਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਦੀਦੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮੀ ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਇਕੱਠੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਲੋਨਾ ਪਾ ਲਓ ਹਾਂ ਚਲੋ 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 ਆ ਗਈ ਭੂਆ ਬੇਟਾ ਭੂਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੇ ਹੈਂਡ ਹੈ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਚਲ ਮਾਮੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੋ ਮਾਮੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਏ ਜਲਦੀ ਆ ਗਾ दोनों बच्चे इत्थे पढ़ाइयां कर रहे हां जी अगम से हाय मैं अगम साडा हाय आ देखो ये बोल पई ना है ना चैटर बॉक्स बोल पया ओ नहीं बोलिया ए बोल पई फटाफट अगो से भी ला के बोलिया से हाय ते हुण मम्मी कह रही है कि कुछ खा ला तो मैं इदा करो तुसी बैठो मैं बना के लियानी है ब्रैड ऑमलेट क्योंकि तुहानू पता है असी उत्थे अपने घर तो बनाते नहीं है और ऑमलेट बाहर खाने का स्वाद नहीं आता ऑमलेट का स्वाद घरे ही आता है सो फिर जिहड़ा जिन्ना नहीं उत्थे खाया हुंदा ना ऑमलेट उमलेट मैं इत्थे आके खा लैं इत्थे कत्तर कर लैं सही गल भिजवा दांगे क्योंकि मम्मी तो आ नहीं होना सो हैरी ब्रेड टमाटर भी लिया के रखे महंगे महंगे एडी महंगी चीज तुसी अपने घर रखी हुई है मम्मी टमाटर है तानू इन्नी महंगी चीज लिया के घरे रख दे चोरी करके ला गया फिर मम्मी आनी तो है टमाटर कोई चोरी करके ला गया फिर कोई नहीं ला जाएगा टमाटर ला जाएगा मैं ही ला लूंगी क्या हो गया अरे आप अपनी कॉपी पे लिखो बेटा वो अपनी कॉपी पे लिखेगा आप इधर अपने पे लिखो चलो रुक जाओ मैं खाली पेज दूं रुक जा रुक जा रुक जा ए चल लिख आप अपने पे लिखो वो अपने पे लिखेगा चलो फिर ब्रेड ऑमलेट बना लेने ते जीत हरजी कित्थे गए मैं तुहानू दसदी हां पापा होना दी जिहड़ी गड्डी सी ना उन्होंने सैल करती सीगी ते उहदे बदले दूजी गड्डी लैन गए आ सो हुण लैके आणगे ते तुहानू दिखावांगे किहड़ी गड्डी लैके आ रहे आ ठीक है ओह क्यों सैल कीती उस थोड़ी जी दिक्कत विक्कत आ रही सी इस करके उह दे के फिर उहदे बदले जो है सैकेंड हैंड गड्डी लवोंगे ब्रांड न्यू नहीं लवोंगे क्योंकि गड्डी चलती घट हैगी है इत्थे है ना बहुत रेयर गड्डी चलती है सो वह बेच के ते फिर दूजी गड्डी देखी है जीत हरजी और जसू तीनों गए तीन असी वड्डे वड्डे बंदे भेजे है अजीमो शाम शहनशाह गए देखण गड्डी है क्योंकि पहली गड्डी च दिक्कत आ गई सी है ना क्योंकि फिर इन्होंने कभी कभी मेरे को भी आना हुंदा आना कभी कभी हुंदा पर फिर भी इस करके फिर वो बेचती तो हूँ जी लैके आएंगे तुहानू दिखावांगे लैन गए गल बन गई हुई है पिक करन गए चैक करन भी गड्डी च कोई दिक्कत तो नहीं है तो ले आएंगे फिर अज पार्टी बन गई पापा होना वाल नवी गड्डी आऊगी है मम्मी हाँ पार्टी बन गई हाँ जरूर ठीक है चलो मैं ब्रेड ऑमलेट बना ला हूँ कोई और लिया पार्टी 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 निकल गए गाड़ी लेके निकल गए चलो जी जीत हर जी जस देखो तीन किन्ने वड्डे बंदे भेजे से असि गड्डी लाने लिए खरीद के लिया रहे ने क्योंकि तुहानू पता पाजी काम ते जांदे आ बिजी सी ते पापा ने सारा काम जीत हर जी ते सुट्टा आ सी हुण ओह लिया रहे आ करके फिर गड्डी देखदे आ शराती पार्टी लवांगे है मट्टू साइकिल चला रहे छे मेरा साइकिल आ गए गाड़ी ले आए ओरी गाड़ी सुसु अपनी स्कूटी लगा के गया सुसु ने अब तक स्कूटी नहीं लाई है कितने जसू ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਏ ਵਾਪਸ ਜਸੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਸੁ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੰਕੂ ਦੀਦੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਰਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਰਨਾਜ਼ ਮਗਰ ਪਈ ਸੀ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ ਦਾਦੀ ਘਰ ਭੂਆ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਭੂਆ ਖੋਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਟਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਈਟਮ ਦੇ ਕੇ ਆਈਟਮ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਰਨਾਜ਼ ਨੇ
ਓਏ ਇਧਰ ਆ ਹੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੋਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਨਾ ਸਾਮ ਤੇਰੇ ਨਿਊ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਨਿਊ ਕਾਰ ਆਗਮ ਕੀ ਨਿਊ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹਮਨੇ ਕਲਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਮੋਗਲੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਿਊ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਲੈ ਲੈ पार्टी देंगे पार्टी नहीं चाहिए कह रहा उन्हें जाना होना उन कुम्मन उन्हें कुम्मन जाएगा तो पूरा दिन लग गया बंद करना है बात भी किसने कुछ करनी होती है कर लो मैंने आपको रोका बात करने से अरे देख न्यू कार आ गई नानू नानी की न्यू कार पीछे हो जा तू चाचा गड्डी लगा रहे सही है साफ सुथरी न्यू कार आ गई तेरी देख फ्लावर्स भी लगे हैं वो देख कार पे फ्लावर्स भी लगे हैं अगम ना हुने हुने गिर गया बैठ तो थल्ले इस करके ऐसा दया होया पे यार रो बहुत चाप रहा है आ देखो फुल लग गए गड्डी का फुल भी लग गया है अनाज हट जा जी इसको लो ना बहुत सोनी है गड्डी कलर बहुत सोना ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਗੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੇਚਾਰੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣ ਆਇਆ 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਜੱਸੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਟੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੱਸੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ चलो अनाज पिछे पई सी कि चलो उठे पू आई है चलिए अगर चलो दीदी को भी मिली है चलो 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 हेलो अरे की ला दीदी अरनास कौर की कर रही है जरा भी देखिए माड़ा जहा पता चले साडे पा दा क्या ये क्या हो रहा है चल हैंड वॉश कर जाके चल दोबारा इधर दिया भी गंदी कर दे इधर देखो गुरसांझ कौर अपने मामे की गोदी फटाफट पादी आ गई जीत ने बुलाया फटाफट पादी आ गई नानी को गुरसांझ गुरसांझ एक बच्चा लो कीता है मैं उधर देख ओ ओ तेनु पाल लिया दादू ने की लेना जी लो जी इथे अमरजीत भाई ते अनाज मैं ते अगम चलने आ डैडी दा बर्थडे आ उन ते केक ले आई है फटाफट जाके ते अमरजीत भाई नु मुबारक दे दो भाई गड्डी आ खड़ी थैंक यू सो मच जी तानु भी बहुत बहुत चलो भाई चलिए खोल लो पैडल बंद के मैं अपनी हिसाब से बैठा चलो चलो भाई इतने आप केक लाए हैं नाल अनाज का डोनट है नाल अगम तेरे डोनट का है अच्छा इसमें मेरे को दे दे यार ओ है मैं भूल गया करे दो कुड़ियां भी हैं उन्होंने चल अदा अदा कर दी मैं यार दिमाग च नहीं रहा
चलो पापा फिर गुड नाइट, मुबारक आपको तो आ रहा था, ठीक है मुबारक आपको भी, हैप्पी बर्थडे अंकल जी, थैंक यू फॉर द पार्टी, हमने चिकन खा लिया, पार्टी कर ठीक है, मुंह मीठा नहीं कराया इन्होंने क्योंकि डब्बा अपन नवा आएगा वही मनांगे मुंह मीठा है, आज मुंह कोड़ा किया ना ते आपा कोड़ा पका लूं ले आना यार डब्बा, ठीक है मैं डब्बा स्पेशल डिमांड ते लिखा, ठीक है कल डब्बा आ जाना चाहिए, कल रखड़ी भी सेलिब्रेट करो, कल मंगा लवांगी ना कल खा लियो, ओके चले यारू बाय करते सब लोग, कह लव यू, ओए चलो चलो हाँ मैं जा रही हूँ अपने, हाँ 12 बजन च ना 9 मिनट है ते 9 मिनट इतने सीढ़ियाँ खड़े होके बिताए जा रहे हैं, ते पापा उपर ना चाबी दी ओदी वैसे तो नेट लगी हुई है लेकिन उस ना एक मोरी हुई हुई है उसो चाबी सुटी थले तो हम जीत स्कूटी अंदर कर रहे हैं, 2-3 मिनट वैसे ना लगेंगे फिर भी बहुत चाह रही यार, आ देखो कितना बैठी है, हाँ दादू का हैप्पी बर्थडे, तू सारा खा देगी किसी नु नहीं देंगी, तू तो डोनट भी लेकर आई है अपने लिए, डोनट आएगी की गट पट 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 तू सब खा देगी, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਖਾਂਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਓਏ ਸ਼ਾਟ ਨਿਕਲ ਪਾ ਨੋ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਸਭ ਸੋ ਰਹੇ ਆ ਚੱਲ ਉੱਪਰ ਚੱਲ 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 ਜਲਦੀ ਚੱਲ, ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਦਾਦੂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਚੱਲ, ਤਿੰਨੀ ਟਿੱਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਣ ਡਈ ਹੈ ਦੇਖ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਚਲ ਉੱਚੀ ਛੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਉੱਚੀ ਛੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦਾਦੂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਪਾ ਚੋ ਪਾਪਾ ਚੋ प्यारी गुरसांझ ओ देखो प्यारी गुरसांझ कर रही है ऐदा कर दिया प्यारी गुरसांझ तेरे बोली पिगी बने पिगी बन पिगी ऐदा गुरी पिगी बन जा चल पिगी बन जा क्यों जल्दी प्लीज प्लीज फटाफट आ गया मम्मी ने बुला रही है चार चीजें सीखी है सारी लेके घूम रही थी हैं ਆਹੋ ਐ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਛਾ ਰਹੀ ਸੀ ਐਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਦਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਕਸ ਚ ਸੈਟ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਐ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਚੀਜ਼ੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਗੋਲ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਐਦਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਐ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਐ ਟੱਪ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਐ ਮਚਕਰੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੱਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇ ਜੱਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇ ਚੱਲ ਦੱਸ ਕਰ चलो उठो उठो चलो शुरू हो जाओ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर पापा हैप्पी बर्थडे टू यू ये चलो 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 रसमलाई वाला केक लेके आया देखो दिल्ली वैरायटी नहीं है ना पंजाब की नहीं वैरायटी नहीं है ना
ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਯਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਸਮਲਾਈ ਕੇਕ ਹੈ ਓਏ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀਤ 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 ਜਲਾਓ ਯਹਾਂ ਸੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਜਲਾਓ बंद हो गई फिर चलो आ जाओ ये क्या कर रहा है पक्का बंद करो दो मिनट रुको यार केक कटान दे पक्का का बंद कर पक्का बंद करो तू भी कर दे दीदी उधर से भी कर दो चलो बैठो सारे बच्चे पहली बार हमारे घर में रसमलाई का केक आया हमने पहली बार खाना है आज रसमलाई वाला केक आजो आजो चलो भाई काटो भाई तोड़ता है दे पहले ही कोई नहीं काट लो ना चलो काटो भाई रसमलाई वाला केक लाए सोच को हां चलो पापा हैप्पी बर्थडे रुको कट द केक ओ आप भी खींचो फोटो फोन कड़े किस लिए गुरगुरी देखो किधर गुरी किधर हैप्पी बर्थडे अरु किधर हैप्पी बर्थडे ओ पैर मारी गुरी चलो गुरी तेरा निक्का जा पैर पीछे कर ला दोनों ही बजा दो कोई नहीं ये क्या कर रहे हो भूख मारो चलो चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर पापा मेरे बच्चे पढ़ो आ देखो गुरी फाड़ लो चलो केक फाड़ दे बेटा उठे ले जा इन्होंने खड़ना चल मैं काट के ना पौना पौने एक बज गए है ते साढ़े बच्चे तीनों ही सोन का नाम नहीं लै रहे गुरी भी बराबर उठी हुई है कीरत भी ते अरनाज भी ते हुण असीं कोशिश करदे आ सौंदे मैनूं लगता अज तां दो ढाई वजणगे सौंदे सौंदे ते सवेरे छेती भी उठना आ कल सैलीब्रेट करनी आ पर रखड़ी ते तुसीं अज सैलीब्रेट कीती आ तुसीं भी कत्ती नूं करोगे दस्सो ते बाकी मेहंदी लगवाउण दा यार टाइम नहीं मिलिया सो मेहंदी नहीं लगवाई तो मैं कोई गल नहीं यार छड्डो है ना जे टाइम ही नहीं मिलिया ते फिर की फायदा जाण दा ते बाकी पापा दा बर्थडे स्टार्ट हो गया आ कल रख दो साल पहले मेरे बड़े वाले ने रखड़ी आई सी सवेरे रखड़ी बनाई सी राती बर्थडे ते फिर दो साल बाद रखड़ी तो वैसे ती दी सी लेकिन लोगों ने करती कत्ती दी ते पंडितों ने कर दी कत्ती दी ऐ ला लो तुसी ते कल दोपहर ही बनावांगे पापा का बर्थडे ते नहीं दोपहर ही मनावांगे रखड़ी ते राती मनावांगे पापा का बर्थडे बाकी विशेज दे दो पापा नू हैप्पी बर्थडे दियां ते कमेंट कर दो ढेर सारे मिल जाए सानू नैक्सट ब्लॉग च इधर देखो आ गए हाँ देखो टाटा चैनल सब्सक्राइब कर दियो वीडियो नू लाइक शेयर कमेंट कर दियो इंस्टा पे फॉलो कर दियो मिलते हैं एक और वधिया जे ब्लॉग दे नाल बाय बाय।